दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भारत में G20 होने जा रहा है और जो G20 हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच में ये जो है वो G20 होने जा रहा है समिट। एंड लाइक G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी, तो ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट स्टेट्स में होने के बाद फाइनली द G20 समिट हैज कम टू दिल्ली और यहाँ पे आपको बहुत ही ग्रैंड लेवल की G20 की प्रेपरेशंस मिलेंगी। तो अलग अलग देशों से, विदेशों से जो है वो बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्री होल्डर्स, प्रेसिडेंसीज, प्राइम मिनिस्टर्स, ऑल आर कमिंग टू इंडिया और वो इस G20 में शामिल होने वाले हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली में 3 दिन का एक तरीके से लॉकडाउन दोबारा लगा गया है। बट जहाँ पे ये होने वाला है, भारत मंडपम, आपको वो जगह ज़रूर देखनी चाहिए कि कितना भव्य और विशाल उसे बनाया गया है स्पेशली G20 के लिए। इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, नाउ ये टॉप 20 मेगा स्ट्रक्चर्स में अब आता है, क्योंकि इसकी जो स्पेस है वो करीबन 20 से 25 फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया में ये प्रगति मैदान के इलाके में बना हुआ है। एंड द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे मिलने वाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। तो बिना किसी देरी के आइए एक बार आपको दर्शन कराते हैं पूरे भारत मंडपम के। दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिंब, जिसका आकार है अद्भुत और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास, जो है तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक। दिल्ली की पहचान, हमारा प्रगति मैदान अब अपने नए रूप में सभी के स्वागत को तैयार है। 3 नवंबर 1972 अंतरराष्ट्रीय मेले एशिया 72 से शुरू हुआ प्रगति मैदान का सफर, तब से लेकर आज तक ये स्थल बना कई ऐतिहासिक प्रदर्शनियों का हम सफर। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 21वीं सदी के भारत के अनुरूप आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हुई, ताकि नए भारत में बढ़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही ईज ऑफ लिविंग। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है और प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले हैं। 123 एकड़ में बने इस एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की गिनती शंघाई और फ्रैंकफर्ट के जैसे विश्व के 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स में होगी, जहां 54,000 वर्ग मीटर का एयर कंडीशन्ड कन्वेंशन सेंटर और 3 ओपन एम्फीथिएटर बनाए गए हैं। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर यानी 26 फुटबॉल फील्ड्स जितने कवर्ड एरिया में फैले प्रगति मैदान 2.0 में कुल 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स हैं। इसके लेवल 3 पर बने हॉल में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी अधिक 7,000 विजिटर्स बैठ सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी का गौरवपूर्ण अवसर भी इस कन्वेंशन सेंटर के समिट रूम को मिलेगा। यहाँ 116 देशों की इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार है। जीरो से इसरो तक भारतीय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है। विश्व संरचना का आधार दर्शाते पंच महाभूत है। भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है। देश के विभिन्न प्रांतों से ली गई चुनिंदा सामग्री और कलाओं के सम्मिश्रण से बना IECC का ये भव्य रूप अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण है। एक तरफ जहां इस सेंटर में बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, वहीं हमारे देश के छोटे उद्यमी, अन्नदाता और कारीगरों द्वारा वोकल फॉर लोकल का ये मंच भी होगा। भविष्य में यहां होने वाले आयोजन भारत को विश्व की 5वीं से 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सभी आधुनिक सुविधाओं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट से परिपूर्ण IECC
लग्जरी, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉजिस्टिकल वायबिलिटी और सेफ्टी का एक अनोखा संगम है, जहां व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संभावनाओं के अनेक द्वार खुलने से रोजगार सृजन भी होगा। अतिथि देवो भवः की भावना लिए हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करता ये कन्वेंशन सेंटर G20 के देशों के स्वागत के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का मंच बनने के लिए तैयार है, जिसे आज माननीय प्रधानमंत्री देश को समर्पित कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, कितना भव्य है ये पूरा का पूरा मंडप और कितनी लैस है इसमें सुविधाएं। और आई जस्ट होप, आई फील रियली प्राउड कि इंडिया जो है वो G20 को प्रेजेंट कर रहा है इस बार, एंड हमने कितना डेवलप करा है पास्ट फ्यू ईयर्स में। एंड ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है जब यू नो यू होस्ट सच अ बिग समिट, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के ऑल योर VVIPs आर हियर इन द कंट्री, और वो आपके ट्रेडिशन कल्चर्स को अपार्ट फ्रॉम द समिट ये सब एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आती है। सो रियली 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 गुड एंड ग्रैंड, एंड बहुत अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया। आई थिंक बहुत ही कम टाइम में जो है वो इसका कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, डिज़ाइन भी हुआ है। आई मीन दिस प्लेस इज रियली वर्थ ऑफ विजिटिंग। कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी हेल्थ रखिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और मेरे साथ देखते रहिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।